हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? तो हाजिर हूँ मैं फिर से नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड, आज बच्चे जिद कर रहे थे कि हम मम्मी हमें दही बड़े ही खाने हैं। अब दही बड़े खाने हैं तो भाई गैस कैसे जलाए, क्योंकि आज हमने माता जी की पूजा की थी तो गैस भी नहीं जला सकते थे। तो चलिए बिना गैस जलाए हम दही बड़े बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम चटनियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम सबसे पहले ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 3 हरी मिर्च ली है, वो भी तीखी वाली। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया, लहसुन ले लिया है। तो इसे हम मिक्सी जार में ऐड कर लेते हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ऐड कर लेते हैं। इसमें धनिया, तो धनिए को हमने डंठल समेत ही इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। मसालों में ये हमने डाला थोड़ा सा जीरा, ये आधी चम्मच काला वाला नमक, ये 1/4 चम्मच सफ़ेद वाला नमक, और ये नींबू का रस। इससे हमारी चटनी बहुत ही चटपटी बनेगी। और ये थोड़ी सी सेम, इससे हमारी चटनी एकदम गाढ़ी और अच्छी बनेगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये पानी बिल्कुल चिल्ड है। अगर आपके पास आइस क्यूब रखे हैं तो वो ऐड कीजिए, नहीं तो ठंडा पानी ऐड कर लीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिए। चलिए अब इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रीन चटनी बनकर रेडी है। देखिए कितनी गाढ़ी और एकदम ग्रीन ग्रीन हमारी ये चटनी बनकर रेडी हुई है। चलिए अब रेड वाली चटनी भी हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड, लाल वाली चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इमली ली है, थोड़ी सी इमली भिगोकर रख दी थी। तो ये देखिए गल गई है। अब थोड़ा सा इसे हाथ से ऐसे मसल लेते हैं, फिर इसे छान कर इसका पल्प निकाल लेंगे। तो लाल वाली चटनी बनाने के लिए हम इसमें इमली का जो पल्प हमने छाना था वो ले लेंगे। अब ये मैंने लिए हैं थोड़े से खजूर, ये बिना बीज वाले खजूर है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये ऐड कर लेते हैं। ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 1/4 चम्मच काला नमक। अब चलिए इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए लाल चटनी भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे भी हम साइड में रख लेते हैं, आगे का काम शुरू करते हैं। अब आगे हमने ये दही लिया है, क्योंकि भाई दही बड़े बना रहे हैं तो दही तो बहुत जरूरी है। तो अब हम इस दही को फेंट लेंगे। तो इसको फेंटने से पहले मैं इसमें ऐड कर लूंगी थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी शक्कर। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, दही को मैंने बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे ताकि हमारी दही बिल्कुल चिल्ड हो जाए, क्योंकि दही बड़ों में बिल्कुल ठंडी ठंडी दही बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे फ्रीज में रख देते हैं। अब आलू का डो हम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने, 1 चम्मच ही भर के जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है। फ्रेंड देखिए आलू के बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं जो दही बड़ों पर डाला जाता है। फटाफट से ये सीक्रेट मसाला बना लेते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सफेद वाला नमक, काला वाला नमक, जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर। फ्रेंड ये हमने ब्रेड ले लिया है, क्योंकि हम ये दही बड़े ब्रेड से ही बना रहे हैं। तो चलिए एक ब्रेड ले लेते हैं। अब हम इसको गोल कट कर लेंगे। तो ये ढक्कन है मेरे पास एक, तो इससे हम इसको कट कर लेते हैं। आप चाहे तो सिर्फ किनारों को हटाकर भी बना सकते हैं। इस तरह से गोल काट लीजिए। इसको हम साइड कर लेते हैं, और जो हमने दही का झोल बनाया है ना, उसमें हम इसको डिप कर लेंगे। फिर इस तरह से हम इसको निचोड़ लेंगे। फ्रेंड इसे साइड कर लेते हैं। जो आलू का बॉल बनाया था वो इसके बीच में रख लेंगे,
और इसको हम इससे पैक कर देंगे ऐसे। देखिए एकदम गोल और सुंदर सा हमारा दही बड़ा बनकर तैयार है। तो चलिए इसी तरह से सारे दही बड़े हम बना लेते हैं। चलिए ये दही बड़े तो हमने बना लिए हैं, अब हम इस पे जो हमने क्रीमी क्रीमी दही बनाई ना वो डाल लेते हैं। अब ये ग्रीन चटनी डालेंगे फ्रेंड हम। ये रेड वाली चटनी, ये मसाला, दही बड़े देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, तो फटाफट से इस रेसिपी को बना लीजिए। आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए